हरियाणा सरकार द्वारा पिछले चार दिनों से नूह में चलाई जा रही अवैध कब्जा हटाओ मुहिम पर ब्रेक लग गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस ड्राइव का स्वतः ही संज्ञान लेते हुए अब ये आदेश जारी किए हैं और रोक लगाने के बाद सरकार से पूछा है कि जब अवैध कब्जाधारियों को कोई नोटिस ही नहीं जारी किया गया तो फिर ये मुहिम क्यों चलाई गई। वहीं अब कोर्ट के आदेशों के बाद नूह जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाओ मुहिम रोक दी है। पिछले चार दिनों से लगातार चल रही इस डेमोलिशन ड्राइव के दौरान दर्जनों अवैध कब्जे हटाए गए और उसके बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा था। वहीं सरकार विपक्ष के भी निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है और सरकार से पूछा है कि आखिर वह हिंसा रोकने में नाकाम क्यों रही। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 176 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 96 से ज्यादा FIR दर्ज हुई हैं और इनमें से 46 FIR अकेले नूह जिला में दर्ज हुई। बड़ा सवाल यही है, हिंसा फैलाने वाले असली चेहरे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।